ये है लूना 25। रॉस कॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है जो इसे मून पर भेजेगी। इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया जाना है। इसे सोयूज 2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन एक लैंडर को लेकर जाने वाला है। लूना 25 का मेन मकसद लैंडिंग को टेस्ट करना है। ये चांद की मिट्टी के सैंपल भी इकट्ठा करेगा। इसके लिए ये रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग हार्डवेयर जैसे 30 किलो के साइंटिफिक इक्विपमेंट से लैस रहेगा। यह मून के साउथ पोल के चारों ओर के एक्सोस्फेयर को अध्ययन करेगा। आज तक चंद्रमा के इस क्षेत्र में कोई भी स्पेसशिप नहीं गया है। कई देश ये मानते हैं कि ये साइट भविष्य में मून पर रुकने के लिए बेहतरीन ठिकाना साबित होगी। इसके पास 6 मेजर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नंबर 1, एड्रॉन LR, ये गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है। नंबर 2, एरीज L, डिटेक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल्स को पोलर एक्सोस्फेयर में। नंबर 3, LIST-V RPM, ये एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है जो मेजर करेगा सरफेस वाटर और OS सैंपल को। नंबर 4, LASMA-LR, जो कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जांच करेगा मिट्टी के कंपोजिशन की। नंबर 5, PML डिटेक्टर, एक्सोस्फेयर की धूल को स्टडी करेगा। नंबर 6, STS-L, ये एक कैमरा इमेजिंग सिस्टम है। दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA लूना 25 के लिए एक प्रोस्पेक्ट्स नाम का पैकेज विकसित कर रही है। इसका इस्तेमाल मून पर ड्रिलिंग और नमूनों की विश्लेषण के लिए किया जाएगा। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है पैकेज फॉर रिसोर्स ऑब्जर्वेशन एंड इन सिटू प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सप्लोरेशन। लूना सीरीज का पिछला मिशन लूना 24 था, जिसे 1976 में लॉन्च किया गया था। पहला लूना मिशन 1970 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।